देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से एक बार फिर से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 5,880 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के 484 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में संक्रमण दर 26.58% तक पहुंच गया। बढ़ते केस को देखते हुए आज भी कई राज्यों में मॉकड्रिल रखने का कार्यक्रम रखा गया है ताकि तैयारियों को परखा जा सके और समय रहते अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जा सके। देश भर में कोरोना महामारी फिर से एक बार खतरा बनता जा रहा है। वायरस का नया वेरिएंट XBB.1.16 तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,880 केस मिले। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 24 घंटे में कोरोना के 484 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 26.58% हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 328 नए मरीजों के साथ कोरोना के कुल एक्टिव केस 4,667 हो चुके हैं। इस बीच मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे पर लगाम लगाने के लिए BMC ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एहतियातन मास्क पहनने की सलाह दी गई है। नगर निगम के अस्पतालों में सभी कर्मचारियों, रोगियों, आगंतुकों के लिए मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। होम आइसोलेशन पर फिर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।